चुकी हूँ, रात की ट्रेन थी, अब सुबह पहुँच चुकी हूँ। ये मेरा आउटफिट है ऑफिस का, और अभी मैंने शूज़ कैरी किए नहीं है क्योंकि अभी मैं नहा के आई हूँ और ये मेरे बाल बहुत गीले हैं तो ये सूख जाएंगे। उसके बाद मैं शूज़ कैरी करूँगी, शूज़ कैरी करने के बाद ऑफिस की, तो फिर मुझे उसमें जाना पड़ेगा और ऑफिस में मिलते हैं। बाकी स्टे ट्यून्ड। फेमस है मॉल लखनऊ में, वो हमने घूम लिया है, लुलु मॉल घूम लिया है, अयोध्या जाया है हम। और क्या करा था? एक फर्जी कैफे था, मेरी इंस्टा पे स्टोरी देख लेना, फर्जी कैफे की है, उस पर डली हुई है। और लुलु मॉल का राइड्स वगैरह की थी, और भाई मस्त मस्त था भाई, लुलु मॉल मस्त था और नाम भी अच्छा है। और ठीक है, पहले पहले मेरे मेरे को भी कंफ्यूज है, पहले मैं सोच रही थी कुकू मॉल है, क्या नाम है इसका, समझ ही नहीं आ रहा था। पहले तो मेरे को कुकू ही लग रहा था, ये कुकू मॉल है क्या है, बट नहीं, उसका नाम लुलु मॉल है और उसमें राइड्स है एक वहाँ पे, वो हमने राइड्स ली थी वहाँ पे, राइड्स भी काफ़ी अच्छी थी, मज़े आए, बहुत मज़े किए हमने, बेस्ट था वो, बेस्ट था, मज़े आए उसमें। और अगर आप बाय चांस कभी लखनऊ जाओ किसी और रीज़न से, नॉट बिकॉज ऑफ ऑडिट, आउट स्टेशन ऑडिट या किसी भी रीज़न से, तो एक बारी वहाँ विजिट कर लेना। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई प्रमोशन करने के लिए कुछ नहीं है, बट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि भाई बस अब मैं आई हूँ, 11 बज चुके हैं, 11 के 11:30 हो रहे होंगे, व्लॉग वगैरह का काम करना था तो ये किया है, रिकॉर्डिंग की है, एडिटिंग बाद में करूँगी, एडिटिंग का अभी टाइम नहीं मिल रहा है, पूरा पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता है, समझा करो। और बस मम्मी डांटती रहती है, मम्मी बस बोलती रहती है पढ़ाई करो, क्या वीडियो वीडियो, मम्मी को वीडियो नहीं दिखाती मैं, मम्मी को वीडियो दिखाऊंगी, मम्मी एक ही चीज़ बोलती है, पढ़ाई लिखाई कर रही है कि नहीं कर रही, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ मम्मी अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं करती, अभी मैं व्लॉग नहीं करती, मम्मी मेरे को डांटती है व्लॉग के नाम से, कभी कभी तो डांटती है, वैसे बता देती हूँ ना जब मैं उनको, ये पूछती हूँ मम्मी ये सही लग रही है क्या, ये ऐसे कर लूँ क्या, ये ऐसे कर लूँ क्या, मम्मी से पूछती हूँ मैं, मतलब फोटो भी डालती हूँ ना इंस्टा पे या ऐसा कुछ डालती हूँ ना, तो मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ, तो जब भी मैं पूछती हूँ ना तो मम्मी मुझसे एक ही सवाल पूछती है, पढ़ाई कर रही है ना, मम्मी हाँ पढ़ाई कर रही हूँ, उसके साथ साथ चलता है, कभी कभी कर लेती हूँ मैं, बट मम्मी को कौन समझाए, मम्मी के पास फिक्स होता है कि भाई तू पढ़ाई नहीं कर रही है, तू ये फालतू काम कर रही है, तो मम्मी की डांट तो ठीक है, बाहर आ जाते हैं ना अपन, तो घर पे तो अपन को ऐसा लगता है कि मम्मी रोज रोज डांट रही है, और फिर अपन बाहर आ जाते हैं ना, तो जब अपन फोन करते हैं और अपन को डांट पिटती है, ऐसा लगता है यार क्या मम्मी मिस कर रहे हैं हम, तब याद ज्यादा आती है, फिर उनके पास ऐसा लगता है कि जाना है जाना है। ये झूठ बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं देख लो इनकी शक्ल, ये झूठ बोल रहे हैं,
हमने अभी कुछ भी नहीं खाया, सुबह हम गए थे मंदिर, तब हमने पूछा था नाश्ते के लिए हम रुक जाएंगे यार, तो इन्होंने बोला मंदिर जा रहे हो नाश्ता क्या करोगे। आप लोग कमेंट करके बताइए ये बिना खाए रह सकती हैं। मैं बिना खाए रहती हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं डाइट भी कर सकती हूँ, वो भी करती नहीं हूँ।